हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, तीन इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो एरियर का भुगतान है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके ऊपर दोस्तों जो अपडेट आ रहा है वो हम बात करेंगे कि जो एरियर का भुगतान है, जो आज इसको जो है क्लियर हो जाएगा कि जो एरियर का भुगतान है वो जो है, जो 4 महीने का है, वो दिवाली से पहले किस तरीके से होगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो प्री 2006 पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बड़ा कदम है, और प्री 2006 पेंशनर्स के जो है, अभी आप देख सकते हैं कि प्री 2006 पेंशनर्स की हम बात कर रहे हैं, और 2024 में उनको एरियर का भुगतान हुआ, यानी कि बहुत पुराना जो उनको ACP का जो लाभ मिलना था, क्योंकि 2006 से पहले जो है जितने भी उस सैनिक उनको ACP का लाभ मिलता है, और उसमें कंडीशन है, और जो पोस्ट 2006 पेंशनर्स हैं उनके लिए MSEP लागू हो गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पे जो प्री 2006 पेंशनर्स उनको अब जाके जो है ACP का लाभ मिला है, और हम बात करेंगे किस तरीके से जो है ये आने वाले टाइम में जो बाकी पेंशनर्स हैं उनको जो है, जो प्री 2006 पेंशनर्स हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो पुराने जितने भी PCDA के जो ऑर्डर्स थे उनका जो है बेनिफिट अब पूर्व सैनिकों को पेंशन मिलना शुरू हो गया है, और उसका रीज़न ये है कि अब जो भी आपको पुराने PCDA का ऑर्डर नहीं, का फायदा नहीं मिला था कि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी, अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, यानी कि आपका रिकॉर्ड डेटाबेस से निकालने में जो है बहुत कम टाइम लगता है, हर चीज़ जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इस केस में कि आपको जो है, जो प्री 2006 पेंशनर्स हैं जिनके लिए कि ACP लागू हो गया था, अगर आप 10 साल एक रैंक में काम करते हैं सिपाही रैंक में, तो आपको जो है अगले रैंक नायक का आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप 20 साल करते हैं तो आपको जो है हवलदार रैंक के फाइनेंशियल जो है आपको बेनिफिट मिलते हैं। ये 10-20 साल का जो किया गया था, ये सब जो प्री 2006 पेंशनर्स हैं उनके लिए किया गया, जो पोस्ट 2006 पेंशनर्स हैं उनके लिए फिर MSEP लागू कर दिया गया, और इसमें जो है 8, 16, 24, क्योंकि 10 साल का टाइम ज़्यादा होता था तो उसको थोड़ा सा कम करके, और उसी में कि अगर 8 साल पूरा करते हैं तो नेक्स्ट फिर 16 साल, फिर 24 साल। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो एरियर का भुगतान हुआ है ये पेंशनर्स को इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सिपाही रैंक में 10 साल का पूरा जो है अपना टेन्योर पूरा किया था, और उसके बाद से जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी सर्कुलर की बात चल रही है, PCDA 568, PCDA 570 सर्कुलर, इसके अलावा ACP के लिए जो सर्कुलर आया था उसको ध्यान रखते हुए उन्होंने जाके दिसंबर 2023 में, कह सकते हैं, इसके ऊपर जो है कंप्लेंट डाली थी, और दिसंबर 2023 में कंप्लेंट डाली। और ये भी हमने आपको पहले बताया था कि CPGram जो है ऑनलाइन मीडियम है थ्रू विच आप अपना जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं, और कंप्लेंट में आपने हम तो सिर्फ एक सर्कुलर की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर्स हैं जो कि पूर्व सैनिकों के लिए बनाए गए हैं, पेंशनर्स के लिए बनाए गए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर आपको लाभ नहीं मिला तो आप 200 देख सकते हैं 2006 से लेकर अब तक का, या 2006 से पहले अब तक का जो है। पहली बात तो आपके जो है बेसिक में बढ़ोतरी होगी, और उसके बाद से आपको जो है उसका एरियर भी मिलेगा। तो ACP का जो नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि अगर आपने एक रैंक पे 10 साल या 20 साल करते हैं तो आप कॉन्सिक्वेंटली जो है हायर रैंक के जितने भी जो है आपको बेनिफिट्स मिलने हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल कहा है कि उन्होंने CPGram में अपनी कंप्लेंट डाली थी, और उसके बाद से रिकॉर्ड ऑफिस में चेक किया गया। रिकॉर्ड ऑफिस में चेक करने के बाद से उनको लेटर आया CPGram की तरफ से, क्योंकि जब भी आप CPGram में कोई भी अपना कंप्लेंट डालते हैं आपको एक वैलिड टोकन नंबर मिल जाता है,
और उस टोकन नंबर की मदद से जब तक आपका केस बंद नहीं होता, ग्रीवेंस जब तक आपका रिजॉल्व नहीं होता, तब तक आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यही हुआ, उन्होंने जो है अपना ग्रीवेंस डाला और उसके बाद से जो है चेक किया गया और ये पाया गया कि उन्होंने जो है ACP की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की है। और अगर हम बात करें जो CP ग्राम की तरफ से जो अपडेट आता है या CP ग्राम की तरफ से जो रिप्लाई आता है, वो सिंपल आता है कि योर केस हैज़ बीन एक्सेप्टेड। सिंपल, आपने जब CP ग्राम अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करते हैं तो अगर तो आपका सब कुछ ठीक होता है तो जो फाइनल आपको मैसेज आता है वो यही आता है कि अननेसेसरी अप्रूवल्स ऑफ द सेम हैज़ बीन ऑब्टेंड और इसको जो है आपका विल बी कैलकुलेटेड। अब जो भी इतने लंबे टाइम का टेन्योर का जो आपका एरियर है वो कैलकुलेट किया जाएगा और वो आपको पेमेंट हो जाएगी उसकी, दिस डिस्पोज ऑफ योर ग्रीवेंस। और अब आपका ग्रीवेंस डिस्पोज हो गया, हमारी तरफ से फाइनल ऑर्डर आ चुका है। तो अल्टीमेटली दोस्तों इसी तरीके से आपके बाकी भी जो केसेस है वो CP ग्राम के थ्रू होते हैं और यहाँ पे बेनिफिट ये है कि ये आप खुद इनिशिएट करते हैं और उसके बाद से जो आपको डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलता है। और अब जो है क्योंकि ACP MSAP बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं, इसको मेक श्योर करने के लिए PCDA भी इस पर प्रॉम्प्ट है कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसको जल्द से जल्द जो है रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि लोगों को पता है लेकिन सब लोगों को नहीं पता। तो अगर ऐसा कुछ केस आता है तो जो CP ग्राम में जब भी आप कोई अपना केस रजिस्टर करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। और दोस्तों अभी जो 4 महीने का एरियर है उस पर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कल भी हमने बात किया था कि 4 महीने का एरियर जो है ये ऑटोमेटिकली पे होना चाहिए। पिछली बार भी जो है दिवाली से पहले जो है ये एरियर का पेमेंट हो गया था। दोस्तों एक बार आप ज़रूर कंफर्म करें कि आपको जो है 53% के हिसाब से आपको 4 महीने का DA एरियर का पेमेंट हुआ है कि नहीं। दो चीज़ें, या तो अब कोई फटाफट कोई लेटर जारी हो और उसके बाद से स्पर्श उसका फटाफट भुगतान कर दे, या जो दूसरा रीज़न ये है कि जो पहले जो ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट हुआ था जहाँ पे कोई लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पिछले महीने जो ORP 3 के एरियर की बात की गई थी वो एरियर पहले पेमेंट शुरू हो गया था, उसके बाद मैसेज आ गया था कि आपको सितंबर महीने में किस तरीके से ORP 3 का या ORP 2 के हिसाब से मिल रही थी। तो दोस्तों आज अगर एरियर का भुगतान होना शुरू हो जाता है फिर भी दोस्तों ये सबको नहीं मिल पाएगा। और अब जब लग रहा है कि जो एरियर का भुगतान है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर के महीने तक जा सकता है, तो दोस्तों देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आज के कमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर किसी को 4 महीने के DA एरियर का अगर भुगतान हुआ है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितने लोगों को जो है DA एरियर का भुगतान हुआ है। रही बात आपकी पेंशन की, वो आपका जो है कन्फर्म है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर ऑफिशियल जो है मैसेज आ चुके हैं, आपका PPO भी जनरेट हो गया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो पेंशन का भुगतान है वो आपको प्रॉपरली जो है 50% के हिसाब से, और जो डेट दी गई है 30th दी गई है, क्योंकि 31st को छुट्टी है तो 30th को ही भुगतान होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।